हेलो फ्रेंड, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थानी केर सांगरी की सब्ज़ी। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी बनती है और आप इसे 5 से 6 दिन स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने आधा कप ड्राई सांगरी ली है। सांगरी को सुखाया जाता है धूप में, उसके बाद ये एकदम ड्राई हो जाती है, इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसको पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो वो हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में 1/4 कप ड्राई केर भी डालेंगे। केर को भी धूप में सुखा दिया जाता है और इसको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। अभी हम इसे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो हमने इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसे गर्म पानी में भिगो देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट सोक कर सकते हैं, पर अगर नहीं टाइम है तो आप इसे गर्म पानी में भिगो के कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। ये अच्छे से फूल जाती है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 12 से 15 सूखी लाल मिर्ची, मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। 1.5 घंटे बाद हम देखेंगे सांगरी एकदम अच्छे से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे। केर सांगरी को कुकर में डालेंगे। केर सांगरी डूबने जितना पानी डालना है। नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। मैं हल्दी इसी टाइम डाल रही हूँ, सब्जी बनाते टाइम नहीं डालूंगी, पर आप चाहे तो सब्जी बनाते टाइम भी हल्दी डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे, कुकर को बंद कर देंगे और अभी हाई फ्लेम पे 2 सीटी ले लेंगे। 2 सीटी में केर सांगरी अच्छे से उबल जाएगी। 2 सीटी हमने ले ली है, कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो गया है। चेक कर लेते हैं, केर सांगरी अच्छे से उबल चुकी है। तो अभी हम इसका पूरा पानी ड्रेन कर देंगे, हमें इसका पानी नहीं रखना है। और वापस से हम केर सांगरी को 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से करना, वरना केर सांगरी टूट जाएंगे। 2 बार एकदम अच्छे से वॉश कर लेंगे। केर सांगरी को हमने 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक, स्वाद के अनुसार मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये बहुत स्पाइसी होती है। आप पर अगर कम खाना है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें हल्दी पाउडर नहीं डाल रही हूँ, पर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। धनिया पाउडर उबालते टाइम डाल दिया था, तो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, पर आप डालना चाहे तो इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। ड्राई मैंगो पाउडर, अगर आपके पास ड्राई काचरी पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं मैंगो पाउडर की जगह। 1 चम्मच सौंफ। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए सब्जी बनाते हैं। तो कढ़ाई में हम 1/2 कप तेल डालेंगे। ये सब्जी बहुत ज़्यादा तेल में, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे हींग, जीरा और कलौंजी और इनको अच्छे से चटकने देंगे। गैस का फ्लेम कम कर दिया है। अभी हम इसमें केर सांगरी जो मसाले के साथ मिक्स थी वो हम डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी बहुत ज़्यादा तेल में बनती है, तभी इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप इसमें तेल बिल्कुल कम मत डालना। मिक्स करेंगे, पानी डाल देंगे। जिस बर्तन में हमने केर सांगरी ली थी, थोड़ा मसाला बच गया था, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच पानी डाला है। मिक्स करेंगे और फिर हम इसे कवर करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे स्लो फ्लेम पर। एक मिनट हो चुका है सब्जी पकाते हुए, आप देख सकते हैं सब्जी ने तेल छोड़ दिया है, मतलब सब्जी हमारे अच्छे से रेडी है। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आपकी केर सांगरी की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, पर दूध डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने दूध को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। कवर करके 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर और पका लेंगे। 2 मिनट बाद चेक कर लेते हैं, हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। मैंने सांगरे को हल्का सा मेशी रखा। अगर आपको एकदम खड़ी खड़ी चाहिए तो आप कुकर में हाई फ्लेम पे 1 सीटी दीजिए, पर अगर आपको ऐसी चाहिए तो आप 2 सीटी दीजिए, तो सब्जी ऐसी बनेगी। और देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। तो चलिए अभी सब्जी को सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी केर सांगरी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इसे 5 से 6 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप ट्रैवलिंग पे लेके जा रहे हैं तो इसमें पानी और दूध दोनों मत डालिए, तेल में ऐसे ही छोक दीजिए। तो ये 4 से 5 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी ट्रैवलिंग के टाइम पे।
तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।